क्वेश्चन वन फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि हीट एंड वर्क क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ओके, तो इसका जो आंसर होगा डेट डी पाथ फंक्शन। क्लियर, पाथ फंक्शन होगा। अब पहले ये आंसर क्यों होगा हम इस पे डिस्कस कर ले, उसके बाद मैं इसके ऑप्शंस पे डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा हीट और वर्क क्या है, तो अगर आपको याद होगा एक चीज कि सेकेंड लॉ, सॉरी थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ याद होगा क्या, क्या कहता है कि जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क डन ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप नॉर्मल बेसिक वाले टर्म से देखेंगे कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आपको अभी मैं बताऊंगा कि वर्क कैसे पाथ फंक्शन, वर्क पाथ फंक्शन कैसे है। तो अगर वर्क वर्क डन पाथ फंक्शन है तो हमारा जाहिर सी बात है हीट भी पाथ फंक्शन होगा। क्लियर है? तो अब हम आपको यही बताने वाले हैं। क्लियर? तो पाथ फंक्शन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझते हैं। अगर आपके पास ये पीवी डायग्राम है, ये हो गया पी, ये हो गया, अगर मैं पूछूं कि ये पीवी डायग्राम में पॉइंट वन पे क्या हो रहा है, पॉइंट वन पे जो भी आपका है वो क्या प्रॉपर्टी बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट वन पे ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, पॉइंट वन का टेम्परेचर हो सकता है। क्लियर? पॉइंट वन का प्रेशर हो सकता है बता सकते हो, पॉइंट वन का आप वॉल्यूम बता सकते हो, यही तो बता लोगे। ये तीनों के अलावा और कुछ तो पॉइंट वन का नहीं बताओगे ना, किसी भी सब्सटेंस का। अगर पूछे कि इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पॉइंट टू पे क्या है, पॉइंट टू पे उस सब्सटेंस का क्या नेचर है, तो आप बताओगे कि टेम्परेचर टी टू है, प्रेशर पी टू है, वॉल्यूम वी टू है, यही बताओगे ना। क्लियर? तो जो सब्सटेंस जो पॉइंट फंक्शन पे डिपेंड करे दैट्स कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। क्लियर? पाथ फंक्शन मतलब अब वन से टू प्रोसेस जो हुआ है, पॉइंट वन पे टी वन था, पॉइंट टू पे टी टू हुआ, कुछ चेंजेस हुआ है ना, तो क्यों चेंजेस हुआ है, मतलब कोई पाथ फॉलो हो रहा होगा, डायरेक्ट चेंज नहीं हो गया, धीरे धीरे प्रोसेस के साथ चेंज हो रहा होगा, तो डेट जो सिस्टम है वो एक पाथ फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, ये पाथ फॉलो कर रहा होगा, दैट्स पाथ इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। तो वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, ये मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल वन से टू पे आए, ए बोल रहा हूँ, टू से वन पे बी है। ठीक है, तो नेट वर्क डन ऑफ वन ए टू, ठीक है, नेट हीट ट्रांसफर वन से टू, सॉरी वन ए टू इज इक्वल टू नेट वर्क डन प्रोसेस वन ए टू का, वन ए टू का देखा है जनरल। सिमिलरली क्यू टू बी वन का ऑल्सो वर्क डन हो जाएगा, टू बी वन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो ये दोनों प्लस होंगे। और आप दोनों में एक चीज देख रहे हो कि इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और फाइनल जो पॉइंट है वो सेम है। हीट का और वर्क का आप देखोगे प्रोसेस वन से टू में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, बट जो पाथ है वो पाथ अलग अलग है। क्या हुआ इसका मतलब कि पाथ फंक्शन वर्क और हीट हमारा पाथ पे डिपेंड करता। क्लियर है इतना? अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे मैं और बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन माइंड में रखना। पूछे कोई आपसे थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक साइकिल साइकिल क्या होता है, तो क्या बताओगे कि वो प्रोसेस जो एक पॉइंट से चालू और वापस आकर वही पॉइंट पे खत्म हो। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट वन है, कोई प्रोसेस टू पे गया, फिर वहां से थ्री पे गया, वहां से फोर पे गया और वापस आकर अपने इनिशियल, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम हो तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। क्लियर है? तो क्यों आंसर पाथ फंक्शन होगा, क्लियर हो गया होगा। पॉइंट फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड होता है, बट वर्क एंड हीट तब, क्योंकि वर्क एंड हीट में क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, दैट प्रोसेस कॉल्ड पाथ ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये था आंसर पहले क्वेश्चन का। मजा आया, आई थिंक ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन और दिया हुआ, देने वाले ने दो ऑप्शन और दिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? अच्छा, एक क्वेश्चन और आगे है आपको मिलेगा,
फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि वहां पे आप तुरंत बता दो वो क्वेश्चन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑप्शन ए जो था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो मास और साइज पे डिपेंड ना करे। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल अगर आपका ये कमरा है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और ये इंसुलेटेड है, क्लियर। अब इस कमरे को आप चार पांच टाइप में अगर डिवाइड कर दोगे, बांट दोगे, तो क्या ये अलग अलग जो कॉलम है इसका टेम्परेचर क्या कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? नहीं, इनका भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर हमारे साइज पे भी, पहले बड़ा साइज था छोटा साइज कर दिया, तो छोटे साइज के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। सेम टू सेम प्रेशर और डेंसिटी केस में भी ऐसा ही है। तो क्या हुआ, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी क्या हुआ? इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जो मास और साइज पे डिपेंड करता हो। फॉर एग्जाम्पल एंट्रोपी, एंट्रोपी बेस्ट एग्जाम्पल, क्लियर। Now, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जस्ट अभी शो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन कीजिए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? इंटरनल एनर्जी ऑप्शन है, एंथैल्पी है, एंड सी ऑप्शन इज टेम्परेचर, एंड द डी वन लास्ट डी क्या है हमारा, प्रेशर, क्लियर। तो ये है हमारे, तो क्या होगा ऑप्शन बताओ जल्दी से बताओ। जीरो फ्लो याद आया क्या होता है? जीरो फ्लो एक बार एक्सप्लेन कर दो जल्दी से, फिर आप खुद बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जीरो फ्लो क्या होता है कि अगर कोई बॉडी ए अगर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो जनरली जीरो फ्लो हमारा टेम्परेचर को डिफाइन करता है। कैसे? टेम्परेचर को डिफाइन करता है, इसलिए इसका जो डेफिनेशन होता है जीरो फ्लो का, वो हम कहते हैं कि अगर हमारा ए बॉडी ए अगर बी से थर्मली इक्विलिब्रियम हो, क्लियर, थर्मली थर्मल इक्विलिब्रियम हो, और बी हमारा सी से थर्मल इक्विलिब्रियम हो, तो हमारा जो बॉडी ए होगा वो सी से थर्मली इक्विलिब्रियम होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, टेम्परेचर, क्लियर। क्या हो जाएगा आंसर? टेम्परेचर। बाकी इसकी जो ऑप्शन है एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होता है? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये होता है ना एंथैल्पी। H इज इक्वल टू एंथैल्पी, U इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करते हैं? एंथैल्पी को डिफाइन करने क्या बोलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। या तो बोलेंगे एंथैल्पी या डेफिनेशन बोलोगे, इस फॉर्मूले से आप बना लो ना, बचपन में बना लो ना डेफिनेशन की, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड द एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से निकालते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी का बहुत अच्छा से जानना बहुत जरूरी है आपको। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सारे एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को समझना हो तो आपको मॉलिक्यूल लेवल पे जाके आपको डिस्कस करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल में तक जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर थ्योरी तक आपको जानी पड़ेगी। तो वहां पे आपको क्या क्या दिखेगा? काइनेटिक एनर्जी दिखेगा, दैट्स कॉल्ड आल्सो अ टाइप ऑफ इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दिखेगा, फ्रिक्शन एनर्जी दिखेगा, रोलिंग एनर्जी दिखेगा, ठीक है, ऐसे जितने टाइप की एनर्जी होते हैं, हीट एनर्जी दिखेगा, ठीक है, वर्क एनर्जी दिखेगा, ये ऑल क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्लियर। और प्रेशर क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जीरो फ्लो आपने देख लिया, टेम्परेचर आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है आपके सामने शो करा, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इज, ये बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे हो, ये भी बार में आप आंसर आपके मन में आई थिंक आ गया होगा। क्या होता है? तीन चार ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, या तो हाइड्रोजनस सिस्टम है। क्या होगा? तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। वाटर और आइस का मिक्सचर को पूछ रहा है क्या है इसमें, चारों में से ऑप्शन क्या होगा? क्लोज सिस्टम क्या होता है? पहला आंसर तो एकदम गलत होगा। क्लोज सिस्टम बोल रहा है, क्लोज सिस्टम क्या होता है? अगर सिस्टम क्लोज है, ठीक है, इसका ढक्कन अगर बोलो चाय का कप का ढक्कन ये क्लोज है, अगर इसके अंदर कोई गर्म पानी है तो क्या होगा? मास तो एक्सचेंज नहीं होगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा, बट हीट जो है वो तो एक्सचेंज होगा,
क्लोज सिस्टम मतलब यही तो होता है, हीट एक्सचेंज होगा बट मास एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में ऐसा वाटर को अगर आइस को मिक्सचर रखोगे तो जनरली आप कह सकते हो कि क्यों नहीं, यहाँ पे अगर वाटर और आइस रखे हो तो हीट एक्सचेंज होगा, तो जो आइस है वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो हीट एक्सचेंज होगा तो मास भी तो एक्सचेंज होगा, हो रहा है नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो रहा नहीं, चलो माइंड में आपको लग रहा है ये डाउट तो आप रखे रहो। अभी ओपन सिस्टम क्या होता है, अगर आप कुछ रखे हो, ठीक है, कुछ भी रखे हो यहाँ पे ओपन खुला है, तो क्या होगा, ही मास भी एक्सचेंज होगा और आपका हीट भी एक्सचेंज होगा, मास और हीट भी एक्सचेंज जो होता है सिस्टम से उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम हम कहते हैं कि अगर कोई थर्मस हो गया उसको अगर आइसोलेट कर दें और अंदर जो भी मटेरियल है, यहाँ पे ना मास एक्सचेंज होता है और ना ही हीट एक्सचेंज होता है, गेट कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। एंड लास्ट ऑप्शन है इसका डी, हाइड्रोजिनस सिस्टम। हाइड्रोजिनस मतलब क्या, दो सब्सटेंस मिल रहे हैं कॉल्ड हाइड्रो, एक तो वाटर, देखो वाटर से आइस भी वाटर से बना है बट इसका कंपाउंड अलग अलग है ना, तो वाटर और आइस का मिक्सचर क्या हुआ, हाइड्रोजिनस मिक्सचर, हाइड्रोजिनस। ठीक है, हाइड्रोजिनस मिक्सचर हो गया हमारा थ्री का डी का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जल्दी से बताओ, मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जल्दी से बताओ एक्सटेंसिव क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है या एंथैल्पी है, क्या है? देखो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बताया था, ठीक है, बचा क्या एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी जो है दैट्स कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये मास और साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये कमरा है इसकी एंथैल्पी फॉर एग्जांपल 20 किलो जूल हो गया, इसकी अगर एंथैल्पी है, ठीक है, तो अगर इस कमरे को आप ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो ये अलग अलग एंथैल्पी का फॉर्मूला, देखो एक्स इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, प्रेशर, चलो प्रेशर तो सेम रहेगा इस केस में, हर एक कॉलम का प्रेशर तो सेम होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना हर स्पेस पे, वॉल्यूम अलग अलग है ना, तो डायरेक्टली देख रहे हो कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एंथैल्पी क्या है, हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि साइज पे डिपेंड, क्या मास और साइज पे डिपेंडेंट, साइज चेंज करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, बट प्रेशर टेम्परेचर और डेंसिटी केस में ऐसा नहीं है, क्लियर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गे लुसाक लॉ ऑफ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज, चार ऑप्शन है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, और प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, चार ऑप्शन, ठीक है। गैस लो याद है, चार टाइप का गैस लो हम पढ़े थे, ठीक है, कौन कौन सा पढ़े थे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो हमारा है क्या है, गैस लॉ, गैस लॉ, ठीक है। बॉयज लॉ क्या होता है कि प्रेशर इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, कैरेक्टरिस्ट चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, और गे लुसाक लॉ कहता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है, और एवोगैड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और आइडियल गैस होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये तुम्हें पता है। तो आपका जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गे लुसाक लॉ, ठीक है, तो गे लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग ऑफ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज, अब देखो यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आप लिख सकते हो कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्लियर। अब आप ये नहीं करोगे तो इसमें ऑप्शन ए भी है टेम्परेचर, आप टेम्परेचर इक्वल नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा है, तो आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही टिक करोगे, सिर्फ टेम्परेचर से टिक नहीं करना आप, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए टेम्परेचर, दूसरा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तीसरा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो
गे लुसाक लॉ जो इक्वेशन बना है जनरली कैसे बन के आया है, अब देखोगे ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होने से ये इक्वेशन बना है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, क्योंकि हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा इससे, क्लियर। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होने से वीपी है तो पी कांस्टेंट होगा, गे लुसाक में पीटी है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्लियर। तो ऑप्शन बी भी तो सही है, हो सकता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, बट आंसर जो सही आंसर जो होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट पे हम ठीक है, क्योंकि मास वेरी हो रहा है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, क्वेश्चन है ऑल गैसेस बिहेव आइडियली अंडर, चार ऑप्शन भी है आपके पास यहाँ पे, वैक्यूम कंडीशन, बी ऑप्शन है आपका लो प्रेशर कंडीशन, सी ऑप्शन है आपका हाई प्रेशर कंडीशन, या लास्ट डी ऑप्शन है आपका कि हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ऑल गैसेस बिहेव आइडियली, आइडियल गैस इक्वेशन, हम हर एक गैस के लिए, हर एक गैस को हम आइडियल नहीं कह सकते, ठीक है। वाटर वेपर को आप आइडियल कह सकते हैं, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं कहते हैं, कह सकते हैं, एक रीजन है, तब कह सकते हैं वाटर वेपर को एज अ गैस, वेपर को एज अ गैस तब कहेंगे, गैस जनरली आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता ही है, गैस लॉ है आइडियल गैस इक्वेशन, बट क्या वेपर, वाटर वेपर को आइडियल गैस कह सकते हैं। मैं आपको जोड़ना इसलिए चाह रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा टॉपिक से हट रहा, टॉपिक से नहीं हट रहा, मैं जोड़ कर आपको समझा, वेपर को आप गैस कह सकते हो कब, जब इसका प्रेशर जो होगा 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, 10 एटीएम से कम होगा, इन दैट केस आप प्रेशर को गैस कह सकते हो। तो अगर आप पीवी डायग्राम बनाओगे, पीवी डायग्राम आपको ये वाला याद होगा, ठीक है, कौन से चैप्टर का है ये देखो, ये प्रेशर वन के लिए, ये प्रेशर टू के लिए, ये प्रेशर अलग अलग, ये फॉर एग्जांपल हमने एक गैस लिया, ठीक है, एक गैस लिया, उसको प्रेशर पी वन पे उसका नेचर देखा, ये जो होता है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये जो लाइन होता है, इस लाइन को हम कहते हैं सेचुरेशन लिक्विड लाइन, ठीक है, और जो इधर क्रिटिकल पॉइंट की इधर वाला जो लाइन होता है, इसको हम कहते हैं सेचुरेशन वेपर लाइन। मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि अगर आप कोई भी ले रहे हो, ठीक है, लिक्विड ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस रखे हो, तो क्या के सॉलिड केस में, ठीक है, या फिर गैस केस में, सॉलिड केस में समझ लो, जैसे इस लाइन पे ये आएगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये तब तक लिक्विड रहेगा, यहाँ तक लिक्विड रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा, एट दिस पॉइंट लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होगा, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो, और टेम्परेचर अगर आपके सब्सटेंस को बढ़ाओगे तो फिर वो क्या होने लगेगा, वेपर स्टेट पे चेंज होने लगेगा, और ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो फिर वो लाइन ना होकर ऐसे बनने लगेगा, फिर टेम्परेचर और ऐसे बढ़ेगा। ये जो एरिया है इधर वाला, इस लाइन के इधर, इसको बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन, इसको बोलते हैं वेट, ये जो बीच वाला रीजन है वेट रीजन है। मतलब कैसे समझते हैं इसको, कि अगर कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हमारा वन पॉइंट पे कोई सब्सटेंस है, वन से टू पे, जब ये टू पे आएगा तो ये लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और टेम्परेचर हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट पी वन प्रेशर पे जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी एक्सटेंड होगा, वॉल्यूम तो एक्सटेंड होगा, साथ में साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो लिक्विड होगा वो वेपर के केस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेपर जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाता तब तक वो लिक्विड प्लस वेपर का केस होगा, वेट रीजन जिसको बोलते हैं, वेट सब्सटेंस मतलब उसमें कुछ मॉइस्चर है, लिक्विड प्लस वेपर, जैसे ही यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचेगा वो टोटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पॉइंट अगर यहाँ आ गया टेम्परेचर बढ़ाने पे और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये सुपर हीटेड हो जाएगा, यहाँ मतलब यहाँ पे थोड़ा भी अमाउंट ऑफ, इतनी सी अमाउंट में भी वाटर की मॉलिक्यूल्स नहीं होगी। तो जो प्रेशर इज लेस देन 10 एटीएम का मतलब क्या हुआ, कि जो गैसेस हैं हमारा वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, आइडियल गैस में प्रेशर 10 एटीएम, तो ये बोला जाए कि अगर ये है 10 एटीएम
ठीक है, डेली 18 के नीचे कोई भी प्रोसेस करो, जो भी गैसेस हैं वो सब हमारे आएंगे इसमें आइडियल गैस बिहेवियर में। इसका मतलब क्या होगा, 10 एटीएम से नीचे लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन है वहां पे हमारा क्या होगा, जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी लो प्रेशर कंडीशन में। तो आंसर जो होगा बी, जो आपका बी है ऑप्शन, लो प्रेशर कंडीशन, दैट्स द आंसर। और लो प्रेशर, प्रेशर तो लो होता है, ठीक है, ऐसे बताऊं तो प्रेशर तो लो होता है बट टेम्परेचर विल बी इंक्रीज करता है, क्लियर, क्योंकि प्रेशर तो लो। प्रोसेस आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्लैश हो रहा होगा आपके सामने, पढ़ो क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश करो। द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज अनोन एज, कोई इवेंट है, साइकिल है, थर्मोडायनेमिक साइकिल है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, एंड लास्ट और नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर होगा देखो डी, थर्मोडायनेमिक साइकिल। क्यों, क्या कह रहा है, कोई सब्सटेंस अगर इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंस, वापस अपने ओरिजिनल प्रोसेस पे रिटर्न आएगा, दैट प्रोसेस को आप जिस फिर जो स्टेट होगा उस स्टेट को क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज वन पॉइंट से चालू हो कहीं भी घूम घाम के वापस वन ही पॉइंट पे आ जाए, दैट्स कॉल्ड द साइकिल, और इन थर्मोडायनेमिक्स दैट्स कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक साइकिल, क्लियर है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होगा नहीं क्योंकि हमें पता है कि प्रॉपर्टी क्या होगा, हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, ठीक है, तो अगर वापस ये घूम कर भी यहाँ तक पहुंचा तो प्रॉपर्टी उसका चेंज ही होगा, प्रॉपर्टी में आपका फिर आ जाएगा इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हुआ तब तो वो तो मैच ही नहीं करेगा, तो आप प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का आप नहीं मान सकते, क्लियर। ये था हमारा सेवंथ क्वेश्चन का आंसर। नाउ एट क्वेश्चन, द टर्म एनटीपी स्टैंड फॉर, फ्लैश हो रहा होगा आपके सामने, द टर्म एनटीपी इज स्टैंड फॉर क्या होगा, नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या नॉर्मल थर्मोडायनेमिक प्रैक्टिस। इसका आंसर है हमारा, दैट्स कॉल्ड सी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एनटीपी का फुल फॉर्म इन थर्मोडायनेमिक में, एनटीपी का फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, ओके, गेट 2017 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, ठीक है, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन बीइंग 5000 किलो जूल, कंप्रेस करने के लिए जो वर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5000 किलो जूल वर्क लग रहा है, ठीक है, कॉजेस देख क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट इंट्रैक्शन ऑफ 2000 किलो जूल कॉजेस द सराउंडिंग टू बिहेवियर, मतलब हीट रिजेक्ट हो रहा है, सराउंड को हीट कर रहा है, ठीक है, 2000 किलो जूल, ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, -7000, -3000, 3000 और 7000, आइए देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में वर्क दिया हुआ है, ठीक है, 5000 किलो जूल, हीट दिया है 2000 किलो जूल, इंटरनल एनर्जी फाइंड करना, ठीक है, अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ, कैसे क्या फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है, वर्क इंटरनल हीट और इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है, इससे जो फॉर्मूला हमारा बनकर आया था, क्या बन के आया था कि देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप पढ़े थे, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, क्लियर है, प्लस इंटरनल एनर्जी कर दोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल यू प्लस, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का सेकंड फॉर्मूला, क्लियर है, तो ये हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का ये फॉर्मूला आपको याद रखना, क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस, वैसे तो होता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डब्ल्यू और क्यू का, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो क्या करोगे, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, सही बात है, करके देखो आंसर आ जाएगा, बट ध्यान दो,
जो आपने वर्क को 5000 किलो जूल लिख दिया और हीट को 2000 किलो जूल रख दिया, साइन क्या होगी? प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस, कौन सी साइन होगी? क्वेश्चन देखो कंफ्यूज कर रहा है ना। वैसे तो आप डायरेक्ट कर दोगे तो गलती बच्चे से ही करते, डायरेक्ट करके पुट कर देते हैं कि भाई बन जाएगा इजी, ये कर देंगे, बट गलती हो जाएगी। ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, द गैस कंटेन इन अ सिलेंडर इज कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, वर्क रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रेशन विद 5000, तो कॉम्प्रेस करने के लिए जो वर्क लग रहा है वो लग रहा है 5000 किलो जूल कॉम्प्रेस करने के लिए। मतलब आप किसी सिस्टम को आप वर्क दे रहे हो, तो अगर सिस्टम को आप वर्क दे रहे हो तो क्या होगा, वर्क की वर्क हमेशा निगेटिव में होगा। अगर सिस्टम आपको, अगर सिस्टम आपको वर्क दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंजन हो गया, तो डेट वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिस्टम को वर्क दे रहे हैं तो वर्क हमारा किसमें होगा, माइनस में होगा। क्लियर? अब हीट, हीट क्या हो रहा है कि क्वेश्चन आप देखोगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट इंट्रैक्शन, हीट इंट्रैक्ट कर रहा है सराउंडिंग से, सराउंडिंग को हीट हो रहा है, मतलब हीट निकल रहा है सिस्टम से, ठीक है। हीट सिस्टम में देना मतलब बोलते हैं हम पॉजिटिव है, चलो अच्छा हीट निकल रहा है, तो मतलब देखो इसको ऐसे बनाता हूं जैसे इसका बनाया ना वैसे ही, हीट अगर आप सिस्टम को दे रहे हो तो हीट पॉजिटिव में होगा, और सिस्टम अगर हीट बाहर दे रहा है, सिस्टम से हीट निकल रहा है तो हीट आपका नेगेटिव में होगा। यहाँ सिस्टम से आपके जो बॉडी उससे निकल के सराउंडिंग में तो हीट हो रहा है तो माइनस में होगा आपकी। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो Q की माइनस 2000 माइनस 2000 यहाँ मैंने पुट किया, ये माइनस W, W कितना है, माइनस 5000, प्लस 5000 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो कितना आएगा, 3000 किलो जूल, तो प्लस में 3000 किलो जूल आ रहा है, आंसर कौन सा सही होगा, सी, सी ऑप्शन जो लिखा है 3000 किलो जूल प्लस में, वो आंसर हमारा होगा सही। नाउ टेंथ क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, दो क्वेश्चन और बचे हैं। वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, तो जब भी आप आइसोथर्मल वाले टर्म्स में आए आप PV is equal to MRT या NRT वाला इक्वेशन आप यूज करना, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा मतलब PV is equal to कांस्टेंट हो जाएगा, PV is equal to कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इससे वर्क जो निकलेगा, और जनरली जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क की पूछ रहा है तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू PdV, वर्क होता है PdV, तो वर्क इज इक्वल टू P की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, सी अपॉन वी dV पुट कर सकते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू सी कॉमन ले लो डीवी अपॉन वी, ये क्या हो जाएगा सी एल एन, अगर प्रोसेस वन से टू तक कर रहे हो तो वी टू अपॉन वी वन हो जाएगा। क्लियर है? देयर फॉर वर्क डन क्या हो जाएगा, सी, सी क्या था हमारा पीवी, पी वी एल एन वी टू अपॉन वी वन। देखो ऐसा आंसर कहाँ है, अब अगर दो पॉइंट है, ये पॉइंट वन है ये पॉइंट टू है, तो इन दोनों का पी वन, पी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू हो जाएगा, क्योंकि तो इसके लिए पी वन वी वन कॉन्स्टेंट, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस पॉइंट के लिए भी पी वन पी टू वी टू कॉन्स्टेंट, देयरफॉर पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इससे होगा पी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। क्लियर है? वी टू अपॉन वी वन, तो हम C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P1 V1 लिख सकते हैं, और पॉइंट वन के लिए, पॉइंट वन के लिए वर्क डन हो जाएगा P1 V1, तो वन वन वाले सारे टर्म्स हैं और टू वाले भी सारे टर्म्स हैं, तो अगर वर्क देखोगे पहला ऑप्शन कि वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 सही है, ln V2 upon V1, तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही है, पहला ऑप्शन सही है। अब बोलोगे कि सर और ऑप्शन क्यों गलत है,
इसलिए है। सेकंड देखो, बी का ऑप्शन देखो माइनस लगा हुआ, हमारा टर्म में ऐसा माइनस तो आया ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन तो माइनस लगा है, डायरेक्ट गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन भी माइनस लगा है, वो भी डायरेक्ट गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है हमारा P1 V1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 दिया हुआ है, V1 अपॉन V2 दिया है, बट आंसर में क्या हमारा क्या आएगा सॉल्व करेंगे तो V2 अपॉन V1, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही है। अब देखो ऑप्शन ए जो है वो सही है, बट कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा। देखो ऑप्शन ए को, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्डन फॉर वन पॉइंट के लिए, P1 V1 ln P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन अगर ऐसा होता तो भी हमारा ऑप्शन सही होता, समझे? क्यों सही होता? क्योंकि अभी देखो P1 दो पॉइंट के लिए अगर हम डिस्कस करें तो दो पॉइंट के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये इधर आ जाएगा, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 की जगह पे P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। अगर ये ऑप्शन होता तो भी हमारा सही होता। क्लियर? अब एक और कंफ्यूजन होगा, सर पॉइंट टू के लिए वर्क डन क्या होगा, पॉइंट टू के लिए वर्क डन क्या होगा, सी जो ये जो सी है, सी की जगह पर P2 V2 कर दो, P2 V2 ln V2 अपॉन V1, ये चेंज नहीं हुआ, ये वैसा क्या वैसे ही रहेगा। ये ऑप्शन होता तो भी हमारा सही हो सकता था, बट हमारे इसमें से ये तीनों में से सिर्फ यही ऑप्शन क्वेश्चन में था, इसलिए हमने इसको सही किया। नाउ आपके साथ 11th क्वेश्चन, आप ध्यान से अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, SSC 2012 में पूछा गया था, SSC JEE के लिए, ठीक है, SSC JEE 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और थर्मोडायनेमिक का बेसिक्स भी थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप ये क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हो, और 11th 12th में भी आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो। चलो याद दिलाता हूँ, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ओके, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल इसको और अच्छे समझते हैं, देखो एक कंटेनर ये हो गया कंटेनर नंबर वन, ये हो गया कंटेनर नंबर टू, ये कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, तो ये गैसेस का भले या चलो सेम गैसेस हैं और दोनों में सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है गैसेस, इन दैट केस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इन दैट केस दिस लाइन इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गे-लुसाक लॉ या जूल्स लॉ। तो देखो ध्यान से आप पढ़ोगे, एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, हम यहाँ पे गैसेस के लॉ के बारे में पढ़े, हम गैस लॉ कौन कौन से पढ़े थे याद करो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, एवोगैड्रो लॉ और एक पढ़े थे हम आइडियल गैस लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे एक दो तीन, ये तो हमारा गैस लॉ मैच कर रहा है, जूल्स लॉ मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन तो एकदम नहीं होने वाला, मतलब चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गे-लुसाक लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कह रहा है कि वॉल्यूम क्या है, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। तो इसमें से कौन सा लॉ ऐसा कहता है, एक तो मैंने बोला गैस लॉ बताया, ये तो कैंसिल ही हो गया, आया चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का होगा, इज दैट दैट मीन प्रेशर विल बी कॉन्स्टेंट, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहा है, ओके। गे-लुसाक लॉ पढ़ा था, गे-लुसाक कहता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे वॉल्यूम विल बी कॉन्स्टेंट हो जाता है, ये कहता है, तो भाई ये भी कैंसिल। एवोगैड्रो लॉ बचा, तीन ऑप्शन रॉन्ग, भाई सही होगा ये, यही है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एवोगैड्रो लॉ, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप देखो क्या है, टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी या थर्मल कैपेसिटी। RRB JEE 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेंस लगाओ। टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस
क्या कहेंगे, क्या आंसर होगा? किसी सब्सटेंस का अगर पूछ रहे हैं कि हाउ मच हीट, तो हमें पता है कि हीट का अगर आप थर्मोडायनेमिक के थोड़ा बैक में जाओगे तो थर्मोडायनेमिक में सबसे पहले जब हमारा इंजन स्टीम इंजन जो बना था तो उस इंजन की एफिशिएंसी बहुत कम, क्योंकि हमारे उस टाइम पे हमारे पास कोल इतने ज्यादा थे कि हम उसकी एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दे रहे थे। भाई हमारे पास कोल है ना, हमारा काम होना चाहिए, एफिशिएंसी से क्या मतलब। फिर जब उसको वो जो हमारा इंजन था उसको फैलाया गया इंडिया में, हर जगह लाया गया, वर्ल्ड की बात करो इंडिया की नहीं बात करो, जब देखा गया कि वो भाई सूटेबल है, आपको हर जगह यूज कर सकते हैं, फिर साइंटिस्ट जो थे वो रिसर्च कर रहे थे कैसे एफिशिएंसी बढ़ाया जाए अपने इंजन। तो फिर बात आई एनर्जी हीट में, कैलकुलेट कार्नोट ने आया, एक कार्नोट साइकिल दिया उन्होंने, बताया कि इस पे दौड़ाओ तो आप जितना इसके करीब ले आओगे कार्नोट की एफिशिएंसी के बराबर, अगर आप मतलब पास में ले आओगे तो उतना एफिशिएंसी आपकी बढ़ती आएगी, इस कार्नोट के बेस पर अगर आप अपनी साइकिल चलाओगे तो एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलेगी। तो हीट को टेम्परेचर से सब रिलेशन करने लगे, फिर क्या हुआ, तो यहीं पे कह रहा है कि हीट ऑफ अ सब्सटेंस, अगर किसी बॉडी का आपको टोटल हीट पता करना है तो उसका आंसर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। तो अगर आपको हीट के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, मतलब मॉलिक्यूल लेवल पे जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल लेवल पे आपको जाकर मतलब आप मॉलिक्यूल लेवल पे चले गए, मॉलिक्यूल लेवल पे जाने के बाद आपको हीट के बारे में अच्छे से आप समझ पाओगे, क्लियर है। तो किसी भी सब्सटेंस का पूछा जा रहा है आपसे, कभी भी पूछेगा टोटल हीट क्या होता है तो आप मारोगे एंथैल्पी, टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एंथैल्पी। कैसे, एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस, टोटल हीट मतलब टोटल एनर्जी की बात हो रही है, टोटल हीट इट मींस क्या, टोटल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एंथैल्पी। कैसे, यू क्या है हमारा इंटरनल एनर्जी, पी और वॉल्यूम क्या है, पी वी वर्क डन है ना, तो टोटल अगर एनर्जी की सब्सटेंस का जानना होगा तो उसके हाउ मच, उसके प्रेशर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड एडिशन ऑफ इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड द टोटल एंथैल्पी ऑफ अ बॉडी, और उसे ही हम कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, क्लियर है। तो ये ऑप्शन होगा, इंटरनल एनर्जी फिर क्यों नहीं होगा, देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी के बारे में आप डिस्कस करोगे तो इसमें क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी भी आता है, पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, फ्रिक्शनल एनर्जी भी आता है, रोटेशनल एनर्जी भी आता है, सारा कसम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी होगा, क्लियर है। और इंटरनल एनर्जी जब किसी बॉडी का है उसमें आप जब पीवी का एडिशन कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, तो आंसर इज एंथैल्पी, इसके लिए फॉर्मूला ऐसा कुछ एंथैल्पी का ही होता है, क्लियर है। नाउ बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो थ्री क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, अ सिस्टम इज थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है कि ए ओनली थर्मल इक्विलिब्रियम, बी और ए थर्मल और केमिकल हो तब, सी सिर्फ मैकेनिकल हो, या ऑल ऑफ दिस। अगर हम कह रहे हैं कोई बॉडी या कोई सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम है, सॉरी थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम है, इन दैट केस वो सिस्टम को आप क्या कहोगे, अगर आप किसी चीज को थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम कह रहे हो किसी सिस्टम को, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो। किसी सिस्टम को अगर आप थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम कह रहे हो मतलब उस पे लगने वाली हर चीज भी इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। तो अगर इस पे मैकेनिकल कोई एनर्जी लग रही है तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, अगर कोई थर्मल टेम्परेचर का कुछ चेंजेस हो रहा है वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, और कोई फिजिकल चेंज हो रहा है वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, या फेस चेंज हो रहा है तो वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑल ऑफ दिस, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर किसी सिस्टम को आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कह रहे हो इसका मतलब वो सिस्टम आपका थर्मली भी इक्विलिब्रियम है, केमिकली भी इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकली भी इक्विलिब्रियम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो गाइस क्वेश्चन फोर देखो ध्यान से, क्वेश्चन फोर है
यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस एंड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2012। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ज्यादातर लोग इसका आंसर आई थिंक दे भी दिए होंगे, और मेरे गेस के हिसाब से लोगों ने जो इसका आंसर दिया होगा, जो उनको पता है इसके बारे में डिटेल में, आधा अधूरा ज्ञान वाले जो लोग हैं, पक्का वो नन ऑफ दिस में टिक मारे होंगे। ठीक है, क्या आंसर है बताता हूँ, मतलब नन ऑफ दिस आंसर है या क्या है। वैसे मेरे टोन से तो आप समझ गए हो कि नन ऑफ दिस तो ऑप्शन नहीं होगा, कोई है इन तीनों में। चलिए आइए बताते हैं। देखो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आप डायरेक्ट देखिए आप बोलोगे आर होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन का, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस एंड, अच्छा इससे आप नहीं कह सकते, तो आप इसको यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट को आप आर मान लीजिए, मान लीजिए आप गलत हो। आर इनवर्सिबल गैस कॉन्स्टेंट नहीं होता सर, आर हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट होता है। ये जो आर है ये है कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट को हम आर डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर है, आर डैश से हम इसकी वैल्यू को डिनोट करते हैं। कोई डाउट है? अब तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सबसे पहले देखिए ये PV is equal to nRT में R को आप जनरली बोलते हैं भाई R is a universal gas constant, फिर यहाँ पे R dash को आप universal gas constant क्यों कह रहे हो और R को characteristic gas constant क्यों कह रहे हो। तो ये जो equation बना था, ठीक है ये जो equation बना था, तो Boyle's law, Charles law और जो आपका Gay-Lussac law है वो combine करने से PV is equal to T is equal to constant बना था, PV upon T is equal to constant ऐसा एक formula बन के आया था तीनों को कंबाइन करने पे। तो जो कांस्टेंट है इसका दो मतलब हुआ, एक होता है कि अगर टाइप ऑफ गैस को फिक्स कर दे तो मास वेरी होगा, ठीक है, और टाइप ऑफ गैस अगर वेरी हो रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो केस हैं इसके, ठीक है, तो इनको कंबाइन करोगे तो आपका जो इक्वेशन बनेगा आपका जो इक्वेशन बनेगा पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, अच्छा जो मैंने आपको बताया था टी की वैल्यू दो होगी, एक तो टाइप ऑफ गैस अगर फिक्स है तो मास के इक्वल हो जाएगा, और टाइप ऑफ गैस अगर चेंज हो रहा है तो वन अपॉन मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, वन अपॉन मॉलिक्यूलर। दोनों को कॉम्बाइन करोगे PV upon T is equal to M upon M हो जाएगा, और इक्वल कर दिया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल कर दिया तो यहाँ एक टर्म आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक टर्म लाना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड R डैश, दैट्स कॉल्ड R डैश। ठीक है, अब इसके और डिटेल में चलते हैं, इसके और डिटेल में जाएंगे, अभी देखते जाओ अभी आंसर आपके सामने खुद है, आप खुद बताओगे इसका आंसर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PV is equal to R dash upon M, M into R dash upon molecular weight into temperature. ठीक है, PV is equal to M R dash upon M is equal to T. तो इसी को हम लिखते हैं PV is equal to M R T. PV is equal to M R T, ठीक है, और PV is equal to N R T नहीं होता है, N R dash T होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज को। तो कैपिटल R dash, यहाँ पे जो R dash है, ये जो R dash है, that's called universal gas constant, और ये R dash upon molecular weight of gas is called R characteristic gas constant, okay? तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को, आर डैश यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ अ गैस एंड गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट नहीं लिखा है तो गैस कांस्टेंट। क्लियर हो गया? बस यही था, ज्यादा डीप में मत जानो, इतना ये फॉर्मूला थोड़ा बेस में देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको यहां बताऊंगा, एक चीज मैं यहां पे आपको और बताऊंगा क्योंकि बहुत जरूरी है। मैं देखा हूं काफी लोग कंफ्यूज हैं इसमें, बहुत लोगों को इस फॉर्मूले में मैं कंफ्यूज देखा हूं। तो जो आप कहते हो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये सही नहीं है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी नहीं है, पीवी इज इक्वल टू एन आर डैश टी है। क्यों? क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एम अपॉन ए, मास, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या है, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आर, और ये टी ट्रांसफर हो गया इनटू टी, तो एम अपॉन एम को हम एन लिखे हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एन अगर आप यूज कर रहे हो तो एन आर डैस टी, मतलब यहां पे जो आर डैस है वो है आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और जब आप पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, एम की वैल्यू यूज करोगे, एम यूज करोगे, तब आप आर टी का वैल्यू, आर टी यूज करोगे, डैश आर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट। दोनों में अंतर है, क्लियर है? तो आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज एग्जिस्ट, व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी टेंपरेचर प्रेशर और वॉल्यूम। आसान है, आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक याद है? आई थिंक डे 1 जब मैं आपको डे 1 के एक क्वेश्चन करा रहा था तो वहां पर जीरोथ लॉ मैंने आपको बताया था। क्या होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अगर कोई बॉडी ए है ठीक है, और वो बॉडी बी से अगर थर्मली मतलब टेम्परेचर ही कॉन्स्टेंट है, थर्मली इक्विलिब्रियम है, और बॉडी बी बॉडी सी से थर्मली इक्विलिब्रियम है, तो बॉडी ए भी बॉडी सी से थर्मली इक्विलिब्रियम होगा। इन दैट केस टेम्परेचर ऑफ बोथ थ्री बॉडीज विल बी इक्वल बोला जाए या कॉन्स्टेंट बोला जाए तीनों बॉडी का, तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कौन सा लॉ है ये? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 6 देखो, टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इट्स हीटिंग वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिपल्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर आप तब बता पाओगे जब आपको टेम्परेचर का डेफिनेशन आता होगा। टेम्परेचर क्या होता है आपको पता होगा, किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर आपको दिख रहा है कि वो 23 डिग्री सेल्सियस है या 24 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस है, आप क्यों कह रहे हो कि ये 60 डिग्री सेल्सियस है, क्यों कह रहे हो कि 70 डिग्री सेल्सियस है? बिकॉज उस गैस का या उस सिस्टम का जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंजेस हो रहा है। ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जीज में चेंजेस हो रहा है, या काइनेटिक एनर्जी बोला जाए इस मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, स्लो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो जब आप हीट करते हो किसी चीज का तो उसकी मॉलिक्यूल्स आप हीट को टेम्परेचर से रिलेट कर देते हो, मत करना ऐसा, ये गलत है। कभी कभी कुछ प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक की कुछ प्रोसेस है कि आप जब हीट दोगे किसी बॉडी को तो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं, डाउन होने लगता है। तो टेम्परेचर को हीट से कभी वो मत करना, हीट को हम मॉलिक्यूल, टेम्परेचर को मॉलिक्यूल से रिलेट करेंगे और हीट को भी हम मॉलिक्यूल से रिलेट करेंगे, फिर हम मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर से रिलेट करेंगे। तो आप हीट बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस, तो आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण आपका टेम्परेचर किसी भी गैस का प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और इसको बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। ये गेट में पूछा गया था, गेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। The pressure of gas in terms of its mean kinetic energy, in terms of its pressure of gas, mean kinetic energy per unit volume, that's called, जिसे हम E कह रहे हैं, is equal to E upon 3.
ई अपॉन टू, थ्री ई अपॉन फोर, या टू ई अपॉन थ्री, क्या होगा? तो क्या कह रहा है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो देखो प्रेशर इज पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, ये पता होगा, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा वन बाय टू इन टर्म्स ऑफ गैस एन आर टी, वन बाय टू एन आर टी, दोनों को इक्वल करो आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, ये प्रॉब्लम आएगा कि मीन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट्स कॉल्ड ई, मीन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थ्री बाय टू एन आर टी, वन बाय टू एन आर टी तो काइनेटिक एनर्जी का है, मीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बुक में थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री अपॉन टू एन आर टी। तो कह रहा है एनर्जी मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? तो देखो थ्री अपॉन टू एन आर टी को पीवी लिख सकते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर थ्री अपॉन टू पी, तो पी कितना हो जाएगा टू, और दिस ई अपॉन वी को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, सिर्फ ई से डिनोट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई को हम ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पी इज इक्वल टू टू ई अपॉन थ्री, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन एट आपके सामने फ्लैश हो रहा है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ऑफ परफेक्ट गैस, ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन था परफेक्ट गैस के लिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? थोड़ा और डीप में पढ़ो, समझो क्या होगा बॉयल्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्या था बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, ठीक है, एट टेम्परेचर कांस्टेंट, ये होता है बॉयल्स लॉ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, गैस लॉ इक्वेशन एक्चुअली। तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बैटरी क्वेश्चन हटा रहे तो दो गैस है तो P1 V1 is equal to P2 V2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 की का चर्चा हो रहा है, मतलब कोई दो गैस लिए होंगे, तो P1 upon P2 is equal to V2 upon V1 और टेम्परेचर कांस्टेंट पे होता है ये काम, तो कौन सा ऑप्शन सही है? P1 upon P2 is equal to V2 upon मैच करा है टेम्परेचर कांस्टेंट, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस such as pressure, volume, temperature and density in thermodynamic coordinates are path function, point function, cyclic function or real function, क्या होगा? दे दी हो गया अभी तक तो आधे लोग आंसर, क्योंकि डे वन अगर आप देखे हो ध्यान से तो डे वन में मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ये क्वेश्चन हमें ऐसा मिल गया था फॉर पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन क्या होता है साइक्लिक फंक्शन, साइक्लिक फंक्शन का मतलब होता है साइक्लिक थर्मोडायनेमिक का मतलब ये होता है अगर कोई भी चीज अगर पॉइंट वन से चालू हो रहा है पॉइंट टू पे जाए या पॉइंट थ्री पे जाए फिर पॉइंट फोर पे जाए कहीं भी जाए कितना भी जाए वो घूम फिर कर पॉइंट वन पे आएगा, इसे हम कहते हैं साइक्लिक फंक्शन और इसे हम थर्मोडायनेमिक साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, पाथ फंक्शन क्या होता है? ये पॉइंट वन है और ये है पॉइंट टू, तो पॉइंट वन से पॉइंट टू जाने में एक पाथ फॉलो हुआ होगा, तो ऐसे हुआ होगा या तो ऐसे हुआ होगा, पाथ हुआ होगा फॉलो हुआ होगा, तो ये पाथ और ये पाथ अलग है भाई, जाहिर सी बात है ये पाथ जा रहा है इस पाथ, दोनों पाथ अलग अलग है, तो पाथ फंक्शन। तो क्या प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड डेंसिटी थर्मोडायनेमिक जो कोऑर्डिनेट्स फॉलो कर रहा है क्या वो पाथ फंक्शन है, साइक्लिक फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है या रियल फंक्शन है? क्या आंसर दोगे आप? सोच लो थोड़ी देर, एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है ये, इतना आसान क्वेश्चन है। देखो पीवी अगर हम बनाए, ठीक है पीवी अगर बनाए तो
इस पॉइंट पे अगर हम पूछे इस पॉइंट की प्रॉपर्टी बताओ, तो आप क्या बताओगे पॉइंट वन की प्रॉपर्टी, कि भाई पी वन वी वन टी वन और डेंसिटी ये होगा। मैं पूछू पॉइंट टू, यहाँ पे क्या बताओगे, पी टू वी टू टी टू डेंसिटी डी टू। तो अलग अलग पॉइंट, जब पॉइंट पे यहाँ पी वन बोल दी, पॉइंट टू हो तो पी टू बोल दी, तो ये क्या, ये पी वन पी टू आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अलग अलग पॉइंट है। तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डेंसिटी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पे। जहां हम पॉइंट रख देंगे वहां पे वो उसका बदल जाएगा, दैट्स कॉल्ड पॉइंट फंक्शन, आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, गेट 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, एक बार में आप तुरंत बता दोगे कैसे, आइए देखते हैं। अ परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, क्या परफेक्ट गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, वाज हीटेड अंटिल इट्स वॉल्यूम आर डबल। जब तक वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता तब तक हम 27 एट 27 डिग्री सेल्सियस से उसको हीट करते जा रहे हैं उस गैस को। द टेंपरेचर ऑफ द गैस विल नाउ, जब उसकी वॉल्यूम डबल हो जाएगी, इन दैट केस उसकी टेंपरेचर क्या होगी, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यहाँ दो ही चीज पूछा जा रहा है, दो चीजें हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन आप पढ़े होंगे, बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ, इससे पहले मैं बता ही रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर दो गैस है, ठीक है, अगर दो गैस हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू एन आर टी होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, दो गैस लेंगे तो क्या होगा, वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, दो गैस का ये हो जाएगा फॉर्मूला। आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, एक टेम्परेचर दिया हुआ है, टी टू फाइंड करना है, तो टी टू इज इक्वल टू, ठीक है, टी वन एक्चुअली, द परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस वाज हीटेड अंटिल इट्स वॉल्यूम आर डबल। ओके ओके ओके, हाँ मिस्टेक है डूड, मिस्टेक है, देखो पकड़ लिया होगी मिस्टेक, तो अच्छी बात है, समझदार हो आपका है, नहीं पकड़े होगे तो पढ़ ली होगी, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देके एक्टिव होके पढ़ा करो, ऐसे हो जाते हैं, यूट्यूब पे भी ऐसे काफी वीडियोस हैं, कुछ टर्म्स गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लेकर पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। तो V2, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दो गैस ले लिए तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, क्लियर है। इनिशियली वॉल्यूम वी वन था, वॉल्यूम डबल हो गया तो वी टू होगी, वी टू इज वॉल्यूम डबल हो गया, टी वन दिया हुआ है, टी टू फाइंड करना है, तो टी टू इज इक्वल टू टी वन वी टू अपॉन वी वन लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, डिग्री सेल्सियस में थर्मोडायनामिक में कोई भी क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस है, उसको तुरंत कैल्विन में चेंज करो, 27 डिग्री सेल्सियस को अगर कैल्विन में चेंज करोगे तो 273 से इसको प्लस कर देना है, 300 कैल्विन हो जाएगा, हो गया। तो वॉल्यूम क्या कह रहा है, वॉल्यूम विल बी डबल, वॉल्यूम विल बी डबल, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 300 है इनटू वॉल्यूम विल बी डबल मतलब 2, तो 600 केल्विन आपका T2 आ गया, 600 केल्विन T2 आ गया, आ गया। तो केल्विन में या आंसर सेल्सियस में, तो फिर बोलोगे सर आप सेल्सियस में क्यों चेंज कर लिए, सेल्सियस में भी सेल्सियस में आंसर आ रहा है, सेल्सियस में ही रख के करते, करके देखो आंसर गलत आएगा आपका, करके देखो आंसर गलत आएगा आपका, केल्विन में चेंज करना ही है, ये रूल करना है थर्मोडायनामिक में, कोई भी क्वेश्चन हो, चेंज किया टेम्परेचर T2 हुआ 6, अब सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 से हम प्लस किए, तो केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 से माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट एंथैल्पी, क्या होगा आंसर, वीडियो को पॉज करें
मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड्स आप लें और इसका आंसर आप बताएं। चलिए मैं इसका आंसर जल्दी से आपको बताता हूँ। देखो चेंज इन एंथैल्पी की बात कर रहा है, मतलब हम डीएच एच को हम एंथैल्पी से डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि हीट को हम ऐसे लिखते थे एम सी डी टी, हीट को एम सी डी टी से हम लिखते थे, वेयर एम इज अ मास ऑफ जो भी आप सब्सटेंस है, गैस है, सी इज अ स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस एंड डी टी इज चेंजिंग टेम्परेचर। तो इससे हम चेंज इन हीट निकाल सकते थे। सेम एंथैल्पी के साथ भी यही है। तो एंथैल्पी का डी है, चेंज इन एल पे डी का मतलब डिफरेंशियल हो रहा, तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एम सी पी डी टी। ये एक फॉर्मूला आपको याद होगा, थर्मोडायनेमिक का बहुत आसान फॉर्मूला है। तो चेंज इन एंथैल्पी का ये फॉर्मूला होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू का फॉर्मूला ये होता है एम सी वी डी टी। दोनों में अंतर दिख रहा है, क्या अंतर है? यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे सीवी है, क्लियर है? तो सीपी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा है, क्वेश्चन नंबर टू। ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम एंड यूनिट इज। ठीक है, यूनिट क्या है, एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है एंथैल्पी। देखो प्रॉपर्टी जनरली क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो पॉइंट फंक्शन होगा, ठीक है, जो भी उसके पी वी टी डेंसिटी है वो पॉइंट पे डिपेंड कर रहे होंगे, वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होगा। ये होता है हमारा प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। ठीक है, अब प्रॉपर्टी में दो आता है, एक आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक आता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो किस पे, मास और साइज पे, बट एक्सटेंसिव में मास और साइज पे डिपेंड होने वाले प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज का मतलब क्या हुआ, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, एंथैल्पी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आंसर जो हम होगा हमारा, ये फोर्थ आंसर होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एसआई यूनिट और यूनिट ऑफ एंथैल्पी इज किलो जूल पर केजी। बट क्यों इंटेंसिव एंथैल्पी होगा? देखो इंटेंसिव एंथैल्पी का मतलब, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर भी होता है, इसमें प्रेशर भी होता है, जो मास और साइज पे डिपेंड ना करे। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कमरा लिया, ठीक है, ये हमारे रूम हो गया, इस रूम का 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और इस कमरे को मैंने ऐसे छोटे छोटे इतने पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो हर एक पार्ट में मैं पूछ लू इस पार्ट का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। इस पार्ट का भी टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होगा, इस पार्ट का पूरे का प्रेशर अगर देखा जाए, एयर है इसमें तो 180 प्रेशर है। तो मैंने इसको 10 पार्ट में बांट दिया और पूछा कि वो बताओ उस कोने वाले पार्ट में क्या प्रेशर है, वो भी तो 180 होगा ना। मतलब साइज चेंज करने पे, पहले साइज बड़ा था, साइज चेंज करने पे कोई अंतर नहीं आ रहा, जो जैसा पहले था वैसा ही है, तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज। तो वैसे ही एंथैल्पी का भी केस है। ठीक है, एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी वर्क आउटपुट, तो एनर्जी की बात हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मार्क किया, और ऐसा यूनिट जो होता है किलो जूल पर केजी। ओके गाइस, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है रहा है, इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर कॉन्स्टेंट, एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर और टेम्परेचर। देखो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सा टर्म कांस्टेंट होता है,
वो तो मैं आंसर बता दिया होगा कि एंथैल्पी होता है, मैं बताऊंगा अभी क्यों होता है, ठीक है। बट यही क्वेश्चन को दो तरीके से और पूछा जाता है, क्या क्या वो तरीका है। एक तो पूछ देगा इन थ्रोटलिंग प्रोसेस व्हाट इट मतलब क्या होता है, इन थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, तो आप मारोगे एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। ऐसे इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है। जब भी थ्रोटलिंग का कोई टर्म आए, थ्रोटलिंग का कोई टर्म आए तो मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, H1 इज इक्वल टू H2 कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा ये ऑरिफिस हो गया, ऑरिफिस मीटर जानते हो ना, इसमें से अगर कोई मेरा फ्लूइड जा रहा है, जब कोई फ्लूइड इसमें से पास होता है, पास होने के बाद इधर से फ्लूइड निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो देखो कर्व शेप है, नोजल टाइप का है ऐसा, ये पार्ट नोजल टाइप का ऐसा है। तो यहाँ पे SFEE इक्वेशन के हेल्प से आप इसको बता सकते हो, SFEE इक्वेशन के हेल्प से आप कह सकते हो फॉर थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी विल बी कांस्टेंट। क्या होता है SFEE इक्वेशन, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। SFEE इक्वेशन का मतलब होता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम के लिए बनाते हैं, मतलब ओपन सिस्टम के लिए एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, चाहे उसमें जिस भी चीज का ट्रांसफर हो रहा है, मास का हो रहा है, उसके लिए इक्वेशन बन के लाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ याद दिला दे रहा हूँ, अगर भूल गए हो तो ऐसा, ये 0.11 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो यहाँ से जो भी एंटर क्या क्या यहाँ पे कुछ जो भी होगा P1 होगा, ठीक है, एंथैल्पी H1 होगा, वेलोसिटी यहाँ की फ्लूइड जो अंदर जा रही होगी C1 वेलोसिटी होगा उसकी, वैसे ही P2 होगा, H2 होगा, V2 होगा, वॉल्यूम 1 होगा, यहाँ वॉल्यूम 2 होगा, स्पीड होगा इसका। तो इससे जो मिलकर जो SFEE स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बनता है वो बनेगा H1 + 1/2 C1² + GZ1 + Q = H2 + 1/2, यहाँ पे G होगा C2² / G + GZ2 + वर्क। ये इक्वेशन जाकर हमारा फाइनल इक्वेशन जाकर बनता है, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, ये जी नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारा ऐसे सारे टर्म्स को लेकर बनता है। तो थ्रॉटलिंग में क्या हो रहा है, तो थ्रॉटलिंग में क्या होगा कि कोई पाइप होगा, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा ऑरिफिश मीटर या वेंचुरी मीटर लगा होगा, यहाँ से जब हमारा फ्लूइड पास हो रहा होगा, तो जब फ्लूइड पास हो रहा होगा तो वेंचुरी मीटर या नोजल केस में, तो क्या नोजल, ये जो हमारा ये डैटम हाइट है, ये Z1 हो गया, ये हाइट Z2 है, देखो कि दोनों सेम है, तो हमारी ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा तो हीट भी नहीं होगा, ठीक है। और वर्क डन की बात है तो वर्क डन तो कुछ होगा नहीं नोजल में, तो वर्क ये भी 0 हो गया, ठीक है, बचेगा ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, ये दोनों टर्म बचेगा, मतलब H1 + C1² / 2 H2 + C2² / 2 बचेगा। यहाँ पे C1 स्पीड है, तो जो स्पीड है यहाँ पे वो एंथैल्पी के मुकाबले, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड है एंथैल्पी के मुकाबले बहुत कम होता है, देयरफॉर H1 = H2। तो हम कह सकते हैं कि H विल बी कांस्टेंट फॉर थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटल ही हो रहा है यहाँ पे, बस यही था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन 4 देखिए। ऑन अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम द प्रोसेस लाइन पीवी पावर एन इज इक्वल टू सी एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, वेल
कम क्लोजर टू वाई एक्सिस, तो अगर वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज होगा तो जो प्रोसेस की लाइन बनेगी क्या वो वाई एक्सिस, मतलब ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्लियर है। तो जो पीवी पावर एन इज इक्वल टू, इफ एन विल बी इंक्रीजेस, तो एन की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हमारा जो प्रोसेस की लाइन है वो क्या क्लोजर टू वाई एक्सिस आएगा, क्लोजर टू जेड एक्सिस होगा, या इंक्लाइन होगा एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे, या इंक्लाइन होगा 45 डिग्री पे वाई एक्सिस से। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 2018 में पूछा गया था। सबसे पहले अपन बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर होता है कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट का लाइन बनाओ, ये पॉइंट लेता हूं मैं, यहां से बनाता हूं, दिस इज प्रेशर कांस्टेंट लाइन, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी जीरो, प्रेशर कांस्टेंट एक जीरो हो जाएगा पूरा टर्म आइसोबैरिक केस में, क्लियर है। अब देखो, अब हम देखते हैं आइसोथर्मल के केस में। ओके, आइसोबैरिक हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट का देख लेते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस, क्या होते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो एन की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया मतलब वी एन इज इक्वल टू सी चाहिए तो एन को इंफिनिटी होना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो एन इंफिनिटी हो जाएगा, वी का पावर इंफिनिटी हो जाएगा, तो मीन्स वी विल बी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मतलब ये बनेगा, तो इसके लिए एन की वैल्यू जो होगी इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे कि n की वैल्यू जीरो से बढ़कर n की वैल्यू इंफिनिटी हो रही है, मतलब n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो y एक्सिस के क्लोज आता जा रहा है, y एक्सिस के ये लाइन y ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, क्लोज आता जा रहा है, तो पहला आंसर सही होगा। तो आइस मैंने आपको दो आइसो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट से ही आपको बता दिया बना के, ठीक है। अब बीच में और होते हैं, एक और होता है ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 होती है, यहाँ n की वैल्यू गामा होती है, यहाँ n की वैल्यू क्या बोला जाए तो n होती है। दिस इज फॉर गामा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ऐसा डायग्राम बनता है। तो हो गया हमारा आंसर, हम ये दो के हेल्प से डायरेक्ट बता दिए, कम क्लोजर टू वाई एक्सिस काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द वर्क डन बाय गैस, गैस पर अगर वर्क डन हो रहा है किस पे डिपेंड करेगा, एटोमिसिटी ऑफ गैस ओनली, एक्सपेंशन रेशियो ओनली, एडियाबेटिक इंडेक्स, या बोथ ए एंड बी। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन पूछ रहा है, किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है हमको ये पता होना चाहिए। तो देखो आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसको और पीवी इज इक्वल टू एम आर पी होता है, ये भी देख लिया, क्लियर है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये टर्म हो जाएगा जीरो, मतलब पीवी हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वर्क डन क्या होता है, पी डीवी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वर्क डन हो जाएगा। तो पी की जगह पे सी अपॉन वी पुट कर देंगे और ये डीवी और प्रोसेस वर्क डन फॉर वन से टू प्रोसेस पे, ठीक है। सी हमारा बाहर निकल जाएगा, डीवी अपॉन वी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एल एन वी टू अपॉन वी वन वर्क डन फॉर प्रोसेस वन से टू। फॉर्मूला हमारा क्या है आइसोथर्मल का, ये फॉर्मूला आ गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप देखोगे वर्क डन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, तो आप सी की जगह पे आप पीवी पुट कर सकते हो, यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, एल एन वी टू अपॉन वी वन पे डिपेंड कर रहा है। तो इन आईसी इंजन वी टू अपॉन वी वन इज एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है। तो एक्सपेंशन रेशियो वी टू अपॉन वी वन इज कॉल्ड एक्सपेंशन रेशियो ओनली। सो इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द वर्क डन बाय गैस डिपेंड्स ऑन, वर्क डन बाय गैस की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं लगे ना, तो डिपेंड्स ऑन एक्सपेंशन रेशियो ऑफ दिस। तो जितना ज्यादा ये होगा उतना वर्क डन आपको अच्छा मिलेगा, ठीक
जहां तक हमारा इस वैल्यू पे डिपेंड है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दो। ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग व्हिच ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नॉट चेंजेस, एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर और टेंपरेचर। आई थिंक क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बताया था एंथैल्पी, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी H1 और H2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, इट मींस इट विल बी कांस्टेंट। तो किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एंथैल्पी की। आसान क्वेश्चन था, ओके बहुत आसान क्वेश्चन है, चुटकी बजाते ही आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, SSC JEE 2014 में पूछा गया था और भी बहुत जगह पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड, डिफरेंस बिटवीन माइनस हो रहा हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर। क्या आंसर होगा, वीडियो पॉज करो, सोचो और बताओ। जिस पर मैंने मार्क किया है उस टर्म को थोड़ा ध्यान से सोचना, टू द, बाय द, आप सोचो इसका आंसर क्या होगा। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या होगा कि मास का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम, हीट एडेड टू द सिस्टम, कि सिस्टम में आप हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव हो रहा है, सिस्टम से हीट निकल रहा है तो हम कहते हैं भाई यार हीट लॉस हो रहा है तो माइनस हो रहा है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, लेकिन जो वर्क डन हो रहा है वो सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और वर्क डन बाय द सिस्टम करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ऑन द सिस्टम लिखता तो हम dW को माइनस में लेते, बट हमारा सिस्टम से वर्क मिल रहा है तो पॉजिटिव वर्क मिल रहा है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें dQ माइनस dW तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसको और देखते हैं। तो न्यूटन्स सॉरी थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ कहता है कि नेट अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन। ठीक है, कहता है ये तो सही, बट इसको और मॉडिफाई करके बाद में बनाया गया कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी भी कुछ हो गए बॉडी के, क्योंकि मॉलिक्यूल लेवल पे रिसर्च होने लगा था, इंटरनल एनर्जी भी होंगे और वर्क डन जो हो रहा वो हो ही रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, dU के इक्वल, ऑप्शन इंटरनल एनर्जी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा। तो इससे पहला क्वेश्चन हम आई थिंक हमने देखा था या दूसरा क्वेश्चन देखा था, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू mCp dT, और वहीं मैंने बताया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू mCv dT। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी का चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है, 8th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The PV diagram of polytropic process is for polytropic process. The polytropic process का जो formula होता है PV power N is equal to constant. ये formula होता है। तो इसके लिए जो PV diagram बनता है वो इन चारों में से कौन सा है? तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे P is equal to constant. Pressure constant. मतलब ये जो है ये isobaric process है। Isobaric process में pressure constant होता है। ठीक है? ये तो गलत हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब आइसोमेट्रिक है प्रोसेस है, तो ये भी कैंसिल। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है मतलब यहाँ पे टेम्परेचर
पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी होता है, तो टी जीरो कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये तो हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी नहीं होगा तो आंसर ये है, ठीक है। उसमें को वैसे भी कुछ लिखा नहीं है, तो तीनों को आपको फाइंड करना पड़ेगा फिर आप बता पाओगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 10 है, एसएससी जेई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। हीट सप्लाई टू द सिस्टम इक्वल्स द वर्क डन, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन हो रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस। तो क्या होगा इसके लिए, ऐसा कब होगा इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस में। नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब हो जाएगा आपका क्लोज्ड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, नॉन फ्लो, फ्लो नहीं हो रहा है बाहर, मतलब क्लोज एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा, क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो क्लोज सिस्टम में वर्क डन के लिए, सबके लिए वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम फर्स्ट लॉ, क्या नाम है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में ये फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक के थ्रू ये फॉर्मूला आया था। तो ऐसा कब होगा कि डी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाए, जब डी यू की वैल्यू नहीं होगी। तो जो इंटरनल एनर्जी है, मैंने कहा था किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब हम उसके मॉलिक्यूल्स लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल पे चले गए। तो मॉलिक्यूल पे चले गए तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी कोई फ्रिक्शन होगी, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर ये सब कैटेगरी आता है, ठीक है। तो ये, और ये इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर से, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स विल बी हाई व्हेन यू यू सप्लाई द हीट, तो ड्यू टू दिस वर्क डन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल बी हाई। तो वर्क डन हाई हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हाई हो रहा है, आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ऑफ मॉलिक्यूल तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम डी यू को जीरो कब करेंगे, टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट कर दें तो हमारा ये टर्म तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा इन केस ऑफ आइसो थर्मल। तो थ्री आंसर सही है।